खाली देश पाली जाऊँगी स्वाधीनता दिवस और 77वां स्वाधीनता दिवस वर्तमान ओडिशा और भारतवासी समस्त अपेक्षा उत्साह उद्दीपना रही पूर्व जानते जो भाव में प्रधानमंत्री मोदी अपिल और समस्त अपिल बड़ बड़ नेतृत्ववृंद अपिल रही है जो भाई भाव में हर घर त्रिरंगार गोटे स्लोगान आ समस्ते से सामिल होते प्रत्येक देशवासी बर्तमान अपेक्षा करसंता काली समय आपड़ देखुं लोयर पी एम जे बर्तमान सीआरपीएफ जवान मैंने सीआरपीएफ जवान मैंने आस हाथ में त्रिरंगा रही सुंदर दृश्य बोध किसी न हो पाए सीधा साल टे प्रतिक्रिया ना जो मैंने सीआरपीएफ जवान मैंने रही सीधा साल प्रतिक्रिया ना सर आज काली स्वाधीनता दिवस आमर जवान मान को बहुत गर्व और बहुत बढ़िया लगे और काली स्वाधीनता दिवस पूरा हर हर घर घर का झंडा फैलाए आ पिला माने भी सब समस्त चारे घर घर मैंने झंडा सब फैला आ बहुत गर्व लगुच बहुत सुंदर लगुच आमको सब बहुत आम सुरक्षित आपण को कमी लगे देशर जवान टी हाँ आमको बहुत आमरी आप आम निजी बहुत गर्वित आम मन करें जी आम निजे जी ठीक रम देश ठीक रम देश जवान मान भी ठीक रे समस्ते भल आराम रे सब खुशी रे ये प्रतिक्रिया शुणुते जो मैंने जवान रही समस्ते काली आसंता कालीर जो 77वां स्वाधीनता दिवस ताकू नहीं कि समस्त अपेक्षा रही समस्ते हर घर त्रिरंगा राली समस्ते प्रस्तुत अच्छा सीआरपीएफ जवान मैंने जो मैंने आसी समस्ते गोटे कथा कहते जो भाई भाव में आसंता काली जेहेतु 77वां स्वाधीनता दिवस देश पाया जाऊँगी समस्त अपेक्षा रही समस्ते से उत्साह उद्दीपनार सहित अपेक्षा रखिंट सीधा साल प्रतिक्रिया ना सर आपर जाग्रत प्रहरी काली आम समस्त स्वाधीनता दिवस पालन करूँ आम मन में उत्साह आपण को मध्य के उत्साह रही आमर तो बहुत उत्साह रो कहीं आम देश सब कम करूँ तो आमर तो समस्त ही आम मन भितर बहुत भल पाइबा आम भाया समस्त देशवासी आम एम सब झंडा लोक सम्मान हर घर तिरंगा सामिल सब अच्छे बाबरे ये होंगे सीआरपीएफ जवान जो मैंने किसी समय पर एकत्रित होते एक कहते जो हर घर तिरंगा केवल दिनटे नुहे सबुदिन से देशर जाग्रत प्रहरी तेणु से आम सुरक्षित से आम जमी काली अपेक्षा रही काली तिरंगा उड़ेबू और देशर से ही स्वाधीनता संग्रामी मान मन पकेबू हर घर तिरंगा सामिल हबु से सीआरपीएफ जवान मैंने हर घर तिरंगा सामिल होती निजक गौरवान्वित मन करने सहित देशवासियों एक अपील समस्ते हर घर तिरंगा कार्यक्रम में सामिल हूँ भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट हेमंत स्वप्नांजलि महांती अर्गस न्यूज़।